लहू को लहू लिखते हैं पानी हम नहीं लिखते, लहू को लहू लिखते हैं पानी हम नहीं लिखते, महलों की रक्कासा कुरानी हम नहीं लिखते। यही कुछ बात है कि तारीख हम पर नाज करती है, यही कुछ बात है कि तारीख हम पे नाज करती है कि तारीख को हम तारीख कहानी हम नहीं लिखते। अंदाज़े बयां गरचे मेरा शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गरचे मेरा शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मुअज़्ज़ज़ डायरेक्टर साहब, फैकल्टी मेंबर्स, असातिज़ा किराम, नॉन टीचिंग स्टाफ, अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे यहाँ पर बेहद मसर्रत और शादमानी हो रही है कि मैं एक ऐसी भीड़ में हूँ, मैं ऐसे लोगों से घिरा हुआ हूँ जिनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यकीनन आपने अपने तर्कों से, यकीनन आपने अपने पॉइंट से हमें लाजवाब कर दिया। सैफुर्रहमान सर ने बड़ी अच्छी बात की सिक्स क्लास वाले बच्चों के लिए, मैं भी आज के इस तारीखी डाइस से अपनी छठी क्लास के तलबा व तालिबात को सलाम पेश करता हूं और यहां से उनको ट्रिब्यूट देता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत से इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और उनके बहुत सारे पॉइंट भी अच्छे भी थे और उन्होंने बोला। और मैं यहां पे जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको भी मुबारकबाद देता हूं कि कम से कम आपके अंदर इतनी हिम्मत हुई कि आपने इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करना ये बहुत जरूरी हुआ करता है बजाय इसके कि आप उसको जीत जाएं। तो वो बच्चे जिनको प्राइज ना मिल पाए तो उनके लिए एक शेर है कि जीत अपनी जगह हार अपनी जगह, मुकाबला तो दिले ना तबा, तूने क्या खूब किया, तूने क्या खूब किया। तो जहां तक जजमेंट का सवाल है मेरे, तो देखिए मैं भी एक इंसान हूं और इंसान गलती का एक पुतला हुआ करता है। इमाम गजाली बहुत बड़े इस्लामिक फिलोसफर और फिलोसफी में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने एक बात कही थी कि एक इंसान जो है अगर वो गलती नहीं करता है तो वो फरिश्ता है। मतलब जो गलती नहीं करता है वो फरिश्ता है, और इंसान की डेफिनेशन जो है वो उस वक्त मुकम्मल होती है जब इंसान अपनी गलतियों से कुछ सीख ले। ठीक है, गलती हो गई और गलती से कुछ सीख ले। मेरे लिए बहुत टफ था आपको मार्किंग देना, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा बोला, बहुत सारे बच्चों के एसेंट अच्छे थे, बहुत अच्छे सारे बच्चों के प्रोनंसिएशन अच्छे थे और कुछ बच्चों के जो कंटेंट थे वो अच्छे थे। कहीं ना कहीं जो सैफुर्रहमान सर ने एक बात बताई आप लोगों को कि आपने तो बता दिया कि 26 जनवरी के दिन झांकियां निकाली जाती हैं, 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं और प्राइम मिनिस्टर वो चीफ गेस्ट होता है, परेड निकाली जाती है, सरकारी बिल्डिंगों को सजाया जाता है। आपने तमाम चीजों के पहलुओं पर गुफ्तगू की, लेकिन एक जो टॉपिक था खासतौर से अपने सीनियर बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, 9th और 11th एंट्रेंस के बच्चों से, कि कहीं ना कहीं उन्होंने टॉपिक के साथ इंसाफ नहीं किया। बहुत कम बच्चों ने टॉपिक के साथ इंसाफ किया, तो उनको मार्क्स भी दिए गए हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि हमने तो बिना देखे बोला, हमारा तो तलफ्फुज़ बड़ा अच्छा था, हमने तो आई कांटेक्ट बना के देखा, मगर आप अगर कंटेंट और मवाद में अगर आप पिस रहे हैं तो इसका मतलब जजेस आपके मार्क्स को काट सकते हैं। तो खैर ये आपका मरहला है, ये आपका पड़ाव है और इस खुशगवार लम्हात के लिए, और मैं बहुत बेहद शुक्रगुजार हूं और बेहद ममनून मशकूर हूं अपने तमाम फैकल्टीज का और खासतौर से इमरान सर का, जिनके अहम कोशिशों के बाद ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज ये किया गया। उनकी खास बात यह है कि जो भी मुफीद मशवरात उनको दिए जाते हैं उनको वो हमेशा लब्बैक कहते हुए नजर आते हैं, और आप लोगों के लिए हमेशा वो अच्छाई के लिए किस चीज में आपके लिए खैर हो उन चीजों को वो करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं पे खत्म करता हूं।